नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा। आपने शादियों में दुल्हन की एंट्री तरह तरह की देखी होगी, लेकिन पुणे की एक दुल्हन ने कुछ ऐसा करने की ठानी कि यह दुल्हन को भी महंगा पड़ गया। महाराष्ट्र के पुणे में एक दुल्हन को चलती कार की बोनट पर बैठकर वीडियो शूट करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने दुल्हन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दरअसल दुल्हन पर कोरोना नियमों का पालन न करने का भी आरोप लगा है। महाराष्ट्र में एक दुल्हन को कुछ अलग करने की चाक का खामियाजा भुगतना पड़ गया। पुणे की पुलिस ने दुल्हन के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दुल्हन गाड़ी के बोनट पर बैठकर शादी रचाने पहुंची थी। विवाह स्थल के लिए निकली ये लड़की एसयूवी के बोनट पर बैठ गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुल्हन सासवड़ जा रही थी, जहां विवाह स्थल था। लड़की बोनट पर बैठी थी और वह भी बिना मास्क लगाए। सामने से एक बाइक सवार वीडियो बना रहा है, जब एसयूवी पुणे सासवड़ रोड पर दिव्य घाट जा रही थी, वहीं रास्ते का ये वीडियो बता दे। कोविड विनियमन अधिनियम के तहत भी ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। बता दें कि शादी में कुछ हटकर करने का ट्रेंड पिछले कुछ सालों में जोर पकड़ता जा रहा है। पिछले दिनों में भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तमिलनाडु की दुल्हन शादी के जोड़े में सजकर मार्शल आर्ट कर रही थी। लोग उसे खूब सराहना और प्यार भी दे रहे थे। वीडियो के कैप्शन में बताया गया कि दुल्हन का नाम निशा है, वह तमिलनाडु के थूकुकड्डी जिले की रहने वाली है। दुल्हन ने शादी के तुरंत बाद ही मार्शल आर्ट्स का एक फॉर्म सिल्वरटम परफॉर्म किया। दुल्हन ने यह सेल्फ डिफेंस के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किया था। पुलिस ने कहा कि दुल्हन और उसके रिश्तेदारों में कई कोरोना सहित ट्रैफिक नियमों को भी तोड़ रहे हैं। उन्होंने खुद की जान खतरे में डाली, दूसरों की जान को भी साथ में जोखिम में डाला। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। वीडियो मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे दिव्य घाट पर शूट किया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिर्फ यही नहीं, कोई कुएं की गहराई में शादी रचा रहा है तो कोई आसमान में, कोई हेलीकॉप्टर से शादी में पहुंच रहा है तो कोई ट्रैक्टर से। आजकल के लोगों की कुछ हटकर करने की चाह उनके लिए कई बार मुसीबत का सबब भी बन रही है। नमस्कार, आप देखते रहिए द फैक्ट इंडिया।